एवरीवन, वेलकम टू वाटर फूड। आज मैं बनाने वाली हूँ हरियल पनीर, और ये एक शाही रेसिपी है। और इसको हरियल पनीर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें धनिया और पुदीने का यूज़ ज़्यादा होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हमें क्या इंग्रेडिएंट चाहिए हरियल पनीर बनाने के लिए। तो सबसे पहले सब्जियों में हमें चाहिए 4 बड़े टमाटर, 2 बड़ी प्याज, इन दोनों को हमें पीसना है। और साथ ही चाहिए 1/2 कप के करीब धनिया और 1/2 कप के करीब पुदीना। दोनों के ही मैंने पत्ते अलग करके अच्छे से धो लिया है। 200 ग्राम के करीब पनीर, 2 हरी मिर्च, 1 इंच के करीब अदरक। मसालों में मेरे पास है लाल मिर्च पाउडर, जीरा, नमक, धनिया पाउडर और गरम मसाला। और साथ ही खड़े मसालों में मैं ले रही हूँ दालचीनी, 4 इलायची, 2 तेज पत्ते और 4 लौंग। और यह है मेरे पास 1 बड़ा चम्मच ऑयल। साथ ही मैं इसमें क्रीम का भी यूज़ करूँगी। क्रीम ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ना यूज़ करें। सबसे पहले हमें दोनों प्याज को और टमाटर को अलग अलग पीस लेना है, और धनिया और पुदीना को बारीक बारीक काट लेना है। तो सबसे पहले हम सब्जियां काट लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने टमाटर और प्याज दोनों को पीस लिया है। अब मैं पहले काटूँगी हरी मिर्च। हरी मिर्च को बारीक बारीक काटना है। हरी मिर्च काटने के बाद काटे धनिया और पुदीना। धनिया और पुदीना को भी हमें बारीक बारीक काटना है। धनिया काटने के बाद काटे पुदीना। पुदीना को भी धनिया की तरह बारीक बारीक काटना है। धनिया और पुदीना भी हमारा कट गया है। अब काट ले पनीर। पनीर को आप जैसा चाहें छोटे बड़े पीसेस में काट सकते हैं। तो पनीर भी हमारा कट गया है। अब मैं ये जो हमारे पास छोटी हरी इलायची है, इसको हम थोड़ा सा ऐसे खोल देंगे। तो अब हमारी सारी सब्जियां भी कट गई हैं, तो अब हम तैयार हैं हरियल पनीर बनाने के लिए। तो चलिए पनीर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई गरम कर ली है, इसमें मैं डालूंगी ये 1 बड़ा चम्मच तेल। गैस को मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा है। तेल गरम हो गया है। तेल गरम होने के बाद इसमें डालें जीरा 1/2 छोटा चम्मच। अब इसमें मैं डालूंगी तेजपत्ता। तेजपत्ता के बाद इसमें डालें दालचीनी। दालचीनी के बाद डालें लौंग और फिर हरी इलायची। सारे मसाले चटकने के बाद इसमें डालें प्याज। प्याज को हल्का सुनहरा होने तक भूनेंगे। प्याज हल्की सुनहरी हो गई है, अब इसमें डालें टमाटर। इसी के साथ मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्च, और अब इसमें हम सारे मसाले डाल देंगे। ये यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला और नमक स्वाद अनुसार। अब इसको अच्छे से मिला दें और 2 से 3 मिनट के लिए ढककर पकने के लिए छोड़ दें। 2 मिनट हो गए हैं, और अब इसमें हम डालेंगे धनिया और पुदीना जो हमने काटा था, और वापस से इसको अच्छे से मिलाकर 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। धनिया और पुदीना डालने के बाद गैस को लो फ्लेम पे कर दें, और अब इसको 5 मिनट पकने दें। 5 मिनट हो गए हैं, अब इसमें मैं डालूंगी पनीर। आराम आराम से हल्के हाथों से इसको अच्छे से मिक्स करें। गैस को याद रखें अभी लो ही रखना है, और अब फिर से इसको 2 मिनट के लिए पकने दें। तो मिनट हो गए हैं, अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी क्रीम। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप मलाई का भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर मलाई भी नहीं है तो छोड़ सकते हैं आप इस टाइप। फिर से इसको मिक्स करें, 20 से 30 सेकंड तक पकाएं, और उसके बाद गैस बंद कर दें। तो ये हरियल पनीर बन गया है।
इसको अब मैं गार्निश करूंगी थोड़ी सी क्रीम के साथ, और इसको आप खा सकते हैं पराठों के साथ या फिर पूरी के साथ। तो अगर आपको ये हरियल पनीर की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।